अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे आरएफ की फ्लैग मार्च शुरू हो चुका है। पूरे मुमरा में हर जगह पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आरएफ के साथ साथ पुलिस वाले भी उनके साथ मौजूद है और यहाँ का हर एक एरिया में जा जाके फ्लैग मार्च कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं। जिस तरीके से मुमरा के जो जनता है लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आरएफ वाले फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आज आप यहाँ पे जो राउंड अप के लिए घूम रहे हो, किस वजह से घूम रहे हैं? क्या है कि कोरोना का जो महामारी चल रही है पूरे विश्व के अंदर, तो अपने एरिया में भी काफ़ी तादाद पे लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। जिस एरिया में ज़्यादा पॉजिटिव मिलते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट कंटेनमेंट एरिया करके डिक्लेयर करती है। उस एरिया में हम लगातार अनाउंसमेंट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, बैरिकेडिंग करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, रूट मार्च करते हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने ये रूट मार्च यहाँ पे किया हुआ है। इससे भी पहले आपने हमारा ये रेगुलर चलते रहता। जब तक ये कोरोना है लोगों के अंदर हमको अवेयरनेस बढ़ाना है, इसलिए हमारे ये रूट मार्च रहते हैं। यहाँ पे रेगुलर फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि लोगों के दिलों में डर रहे, ताकि वो अपने घरों में रह सके। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फिर भी यहाँ के मुमरा के जो जनता है मानने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर भी रोड पे घूमते हैं बेवजह बेमतलब का। जब भी पुलिस वाले इन लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं कि कभी हम दवा खाना जा रहे हैं, तो कभी कहते हैं कि हमें कुछ काम है, मेडिकल से दवा लेने जा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ की जनता झूठ पे झूठ बोल के रोड पे निकलती है और बेवजह घूमती फिरती है, इसीलिए ये फ्लैग मार्च रखा गया। तो आपने देखा ये जो फ्लैग मार्च किया जा रहा है वो मुमरा स्टेशन से ले के रशीद कंपाउंड तक किया गया और वो हर एक एरिया में घूमे, जिस तरीके से संजय नगर, अमृत नगर, चांद नगर और आके रशीद कंपाउंड के गेट पे ख़त्म किया गया। मुमरा कौसा से कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन शेख। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।